अगर कोई उल्टी हरकत करे तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। मोहब्बत हुई आपको? मोहब्बतें हुई। अरे मोहब्बत में धोखा खाया आपने? बहुत दफ़ा। बाकी मोहब्बत तो है ही धोखे का नाम। सही बात है वैसे। सही बात। तो धोखे तो इसी तरह तो बहुत खाए हैं। हाँ। और दोस्तों में? दोस्त है, बड़े अच्छे दोस्तों से कभी मैंने धोखा नहीं खाया। दोस्तों से? वाह क्या बात है। बहुत आपने बचे हुए हैं आप एक जगह से। हाँ, नहीं उनको पता है कि अगर धोखा देंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा। पहला दुश्मन कब बनाया आपने जिंदगी में? मजे की बात ये कि दुश्मन अगर मैंने बनाया तो सियासत में बनाया। दुश्मन मैंने अपने बनाया क्योंकि मैं क्राइम के ख़िलाफ़ हमेशा रहा हूँ, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़। और दुश्मनी अगर हुई है तो लहरी के गैंग वॉर के साथ हुई है और ठीक ठाक लड़ा उनके साथ। और लहरी के लोगों को जो अजियतें इनके वजह से बर्दाश्त करनी पड़ी, जिससे हम पॉलिटिकली, मेरी पार्टी अफेक्ट हुई, मैं अफेक्ट हुआ, तो दुश्मनी निभाई मैंने पूरी तरीके से। आपकी खूब फीमेल फैन फॉलोइंग भी होगी बलोच घराने से, आपका ताल्लुक है। तो नहीं है ना, यही तो दुख की बात है। अरे ये दुख की बात है। अच्छा तो चाय का तो आपने बता दिया, खाने के शौकीन रहे? खाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मेरे फैमिली की टेंडेंसी इतनी है कि अभी जैसे एक पैटीज मैंने खा लिया तो कल मेरा 1 पाउंड बढ़ जाएगा। देख के वेट बढ़ जाता है, इतनी टेंडेंसी है। अच्छा। फैमिली के अंदर आपके घर में क्या चीजें हैं जो फेमस खाने बनते हैं? हमारे घर में मच्छी भी अच्छी बनती है। हाँ। और बिरयानी अच्छी बनती है। बिरयानी। आपकी शादी हुई तो माँ बाप की पसंद से हुई? जी, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। कितने साल हो गए आपकी शादी को? साल तो मेरे ख्याल में 30+ हो गया होगा। मर्दों को कभी भी सही से याद नहीं होता। अच्छा तो शादीशुदा लाइफ कैसे गुजारी सियासत के साथ? बिल्कुल सही, नॉर्मल। बच्चों के साथ टाइम? बच्चों के साथ बस ये थोड़ा दुख होता है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहता था। हाँ। होना चाहता हूँ, अभी भी बच्चे मेरे फ्रेंडली नहीं है। हाँ। जैसे मेरे दूसरे दोस्तों के बच्चे मैं देखता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसी बात करते जैसे दोस्त बात करते हैं, और आगे से बच्चे भी इसी तरह बात, तो वो चीज़ नहीं है। फ्रेंडली होना, दो बच्चा ऐसा होना, बेटा आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका दोस्त लगे। मेरे दोनों बेटे जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, अमेरिका से एक है और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सियासतदान बनने वाले हैं, एक तो बन भी गए, सियासत में आ भी गए। नादिर जो है अभी इस्लामाबाद में, वरना वो भी इधर होता, आपको इंटरव्यू में आपके साथ बैठता। स्ट्रगल आपने क्या क्या देखी? एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं लकी रहा, एक तरफ आप बोलते हैं कि मैंने स्ट्रगल की बहुत। देखिए मेरा असल जो स्ट्रगल था ना वो शुरू हुआ है शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जाने के बाद, जब वो शहीद हुई। मुझे बताएं कुछ, आपने जो टाइम उनके साथ गुजारा कैसा टाइम होता था वो? मैं आपको सही बताऊं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो थी ना वो मैं हमेशा उनको एक नाम देता हूँ, एंजल थी वो, एंजल। उनके बाद पीपल्स पार्टी कैसी थी, अगर एक जुमले में बता सकें या एक लफ्ज़ में बता सकें? ये वही बात है कि जुबान पे कंट्रोल नहीं है। एक वर्ड तो कहना कि एक वर्ड अगर आप कह सकें। एक वर्ड ये है, पीपल्स पार्टी विदाउट बेनज़ीर भुट्टो। पीपल्स पार्टी विदाउट बेनज़ीर इज डिफरेंट, बट बिलावल इज पार्ट ऑफ शहीद बेनज़ीर। बट अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मगफिरत फरमाए। द वर्ल्ड रिमेंबर्स हर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से आज तक उनको याद किया जाता है? आई थिंक कि वो उनके अंदर जो एक चीज़ थी, जो दुनिया का तो मैं नहीं कहूँगा, उनका डायरेक्ट जो रिश्ता था आवाम के साथ। आवाम के साथ एक चीज़ मैं उनका कहूँगा कि वो बहुत बहादुर थी। एक दफ़ा वो मेरे साथ भी गाड़ी में मुझे कहती है चलो ज़रा सिंध असेंबली चलते हैं, तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उनकी गाड़ी थी, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो जाम सादिक अली का दौर था, तो सिंध असेंबली का गेट लोहे का गेट है, बड़ा मजबूत गेट है, वो जाम सादिक अली ने बंद करवाया कि बेनज़ीर साहिबा अंदर जा नहीं सके। उनको गुस्सा बहुत आया कि ये हाउ डेयर जाम सादिक अली ने मेरे लिए सिंध असेंबली का गेट बंद किया। तो मुझे कहती है तुम नबील, तुम इतने डरपोक हो, तुम क्या देख रहे हो, मारो गाड़ी गेट पे। हाँ, गाड़ी गेट पे मारो, मेरी गाड़ी ना टूटेगी, तुम्हारी तो नहीं है। मैंने अभी मेरी गाड़ी होती शायद मैं नहीं मारता, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी टूट जाएगी, लेकिन मुझे इतना उन्होंने वो कहा कि नहीं मारो गाड़ी गेट पे, और वो गेट हमने तोड़कर गाड़ी के साथ हम अंदर गए। क्या बात, बहादुर बहुत थी। क्या बात है, क्या बात।